नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों आज आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में शहतूत के विषय में कि दोस्तों मेरे पास शहतूत कितने प्रकार का है और कैसे नशे डालते हैं, और जिससे ऐसा हम बादाम हुआ तीन प्रकार का, जिसे मैंने पहले इससे पहले वीडियो बताया था। तीन प्रकार का बादाम एक साथ में अगर लगाएं तो बहुत अच्छे लोग सोचते हैं कि आपको पता ही चलेगा कौन सा बादाम कैसा है, कौन सा बादाम कैसा नहीं है, कौन सा बादाम हाथ से फोड़ने वाला है, कौन सा बादाम जैसे पत्थर से फोड़ेंगे। तो हम आप सभी को बताएंगे कि हम अलग अलग कैसे लगाते हैं और शहतूत की नर्सरी कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगन करवाएं, ताकि दोस्तों खेती बाड़ी संबंधित या फूड संबंधित जो भी वीडियो अपलोड सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि जैसे मैं जो कल बादाम लगाया था उसका अलग अलग कैसे करें। जैसे कि इधर देख रहे हैं, जो हम बड़ा बादाम लगाए थे इस साइड में है, उसके बाद में इधर जो है मैंने क्या किया, शहतूत लगा दिया जैसे दो लाइन, और ये दोस्तों शहतूत लंबा दाना आएगा और पकेगा तो दोस्तों ये पीलापन में आएगा। और उसके बाद इधर हम लगा दिए हैं मिशमिश, इधर मिशमिश लगा दिए हैं एक लाइन, उसके बाद इधर लगा दिए हैं जो इसमें डबल बादाम आएगा और छोटे बादाम होंगे, और उसके बाद में इधर लगा दिए हैं तीसरा यानी जैसे कि शहतूत। दोस्तों छोटा शहतूत होगा लेकिन बहुत ज़बरदस्त शहतूत आएगा, जैसे कि एक लाइन में इधर लगा दिया। अब वो बादाम अलग हो गया, ये बादाम अलग आ गया, इसके बाद में शहतूत, उसके बाद ये दूसरा जो है बादाम आ गया, उसके बाद फिर शहतूत लगा दिए। उसके बाद इधर क्या लगा दिए दोस्तों, जैसे कि जो दूसरा बादाम है जैसे कि हम ऐसे हाथ से फोड़ेंगे, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हाथ से ऐसे फूट जाएगा, तपते हो जैसे मूँगफली हम फोड़ते हैं। उसके बाद इधर क्या कर दें हम, इधर लगा दें दूसरा शहतूत। ये दोस्तों क्या होगा, जैसे कि अपने वहाँ होता है छोटे छोटे शहतूत होते हैं, अब पकता है तो बिल्कुल काला होता है, ये भी काला आएगा लेकिन ये बहुत मोटा होगा, लेकिन ये लंबा रहेगा थोड़ा से और जो है बहुत मीठा भी होता है। तो इस तरीके से हम इसको इधर लगा दिए हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, जैसे कि दोस्तों पहला प्रकार के ये, दूसरे प्रकार के ये, तीसरे प्रकार के, इधर हमारे पास शहतूत हो गया और बीच में मिशमिश लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा यानी अलग अलग इधर बादाम भी हो गया और इधर बादाम हो गया, इधर बादाम हो गया हमारा। इसमें अब आप देख सकते हैं इसमें से हमारे पास तीन प्रकार का बादाम है और तीन प्रकार का जो है शहतूत है और एक मिशमिश भी लगा दिए हैं। तो इतने ही कम जगह में हम हर चीज़ लगा दिए हैं, इसलिए इसको हम बता रहा हूँ। जैसे बहुत से लोग करते हैं नर्सरी करते हैं तो इसमें बोलते हैं यार ये इसको कैसे लगा, एक चीज़ लगा लिया बहुत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा से तीन चार प्रकार का बादाम लगा देंगे, तीन चार प्रकार का जैसे थोड़ा शहतूत लगा देंगे और फिर से लगा देंगे, तो इसमें कम ही जगह में ढेर सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं सोचा इसलिए आप सभी को बता दूं कि कम जगह में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें लगभग लगभग मैं किलो हमारा लगभग 250 पौधा इसमें है, हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 250 पौधा हम बैठाए हैं। और इसमें पानी सेम टाइम पे देना है, जैसे कि हम 4 दिन से पानी देते हैं तो 4 ही दिन से देखें, लेकिन सारा कुछ सिस्टम हमारा देखने में भी अच्छा लगेगा और जगह भी कम है और फ़ायदा हम हर चीज़ से उठा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जैसे किसी को बादाम बादाम चाहिए, किसी को हमें शहतूत चाहिए, किसी को हमें मिशमिश चाहिए, किसी को हमें दूसरा मतलब जैसे कि शहतूत चाहिए, किसी को हमें दूसरा शहतूत चाहिए, तो कम से कम जगह में हम इतने ही जगह में ढेर सारा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और आपको कोई चीज़ पूछना तो कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को जरूर रिप्लाई दूंगा। और उसके साथ में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में हमाद के विषय में बताएंगे, जो क्योंकि मेरे पास 3 से 4 महीने का हमाद है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। आप सभी को फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।